हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुभाष चक्रधारी और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भाई क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जो है आप लोग का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। मतलब बहुत ही ये मूलभूत है भाई, अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे ना बुक से, एनसीईआरटी बुक से, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को तो उसमें जितना भी कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल जो है सभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। बोला जाता है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ने से हो जाता है, वो तो ठीक है भाई, एनसीईआरटी बुक पढ़ने से हो जाता है, बट एनसीईआरटी बुक में ना उतना डिटेल नहीं दिया गया कि कैसे क्वेश्चन अप्रोच करना है। क्वेश्चन हमारे लिए सफिशियंट नहीं है और उसका एक प्रॉपर मेथड भी नहीं दिया गया है, क्लियर है। तो उसी को हम लोग को पढ़ना है भाई, और हम लोग एकदम अच्छे से डिटेल में ही पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था मोल, क्लियर है। तो मोल में मैंने पढ़ाया था कि सॉलिड को कैसे मोल में लाया जाता है, लिक्विड को कैसे मोल में लाया जाता है और गैस को भी कैसे मोल में लाया जाता है, ये हमने पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे। और हमने इसमें ये भी देखे थे कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब उसमें दिया गया हूँ मैं, क्लियर है। उसी को ही आज आगे हमको पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो रहेगा आप लोग का ये रहेगा कि मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फिर ग्राम को अपने को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है और वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कन्वर्ट करना है, ये भाई। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो सबसे अच्छा है और सबसे बेस्ट रहेगा, क्लियर है। चलिए ये था, साथ में हमें ग्राम को वॉल्यूम में, तो ग्राम को कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्लियर है। तो ये है भाई रिलेशन, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं भाई मोल का जो फार्मूला होता है एन, ठीक है, मोल जो होता है आप लोग का डब्लू बाई क्या होता है एम डब्लू, ठीक है, जहाँ पर W क्या होता है आप लोग का वेट होता है और MW क्या होता है आप लोग का मॉलिकुलर वेट होता है, ठीक है, इतना तो जानते हैं। अरे किसके लिए आप लोग का ये होता है, सॉलिड के लिए, ठीक है, एक होता है आप लोग का लिक्विड के लिए, उसके लिए होता है क्या है बताओ NL होता है, उसके लिए क्या होता है भाई बताएं, उसके लिए होता है वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है ना, ये होता है किसके लिए, लिक्विड के लिए। गैस के लिए क्या होता है फार्मूला Ng, ये होता है आप लोग का N डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23, क्लियर है, ये होता है। तो देखिए ये मोल है, ये भी मोल है, ये भी क्या है मोल है, तो इन तीनों को हम लोग इक्वल में लिख सकते हैं भाई एन एल, ठीक है, क्या लिख सकते हैं भाई एन एल इक्वल टू एन एस इक्वल टू एन एल इक्वल टू एन जी, बराबर होते हैं, क्योंकि ये भी मोल है, ये भी मोल है, ये भी मोल है, तीनों का यूनिट क्या होता है सेम भाई, तो इसको यूनिट के हिसाब से हम बराबर में लग सकते हैं, एन एस इक्वल होता है एन एल के और एन एल इक्वल होता है एन जी के। तो ये हो गया कि W बाय एम डब्ल्यू जो होता है इक्वल वो होता है भाई V बाय 22.4 के बराबर होता है, और यहाँ पर जो N होता है Ng वो N अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है, क्लियर है, ये होता है। और क्या होता है भाई, तो ये सब मोल होते हैं ना, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या एन, इन सभी को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई एन बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो एन है वो मोल को शो कर रहा है सभी के लिए भी, गैस के लिए भी, लिक्विड के लिए भी और सॉलिड के लिए भी। अगर आपको पर्टिकुलर अगर गैस के लिए शो करना है तो आपको लिखना पड़ेगा एन जी, अगर लिक्विड के लिए करना है तो आप लोग को शो करना पड़ेगा एन एल, और अगर सॉलिड के लिए करना है तो आप लोग को लिखना पड़ेगा एन एस, अगर आप सभी के लिए शो कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा एन। तो हमारा जो इसमें मेन जो फार्मूला था, ठीक है,
वो फार्मूला कौन सा भाई, ये वाला हमारा मेन फार्मूला है, इसी फार्मूला के बेस पे ही हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा आप लोग को कि आप लोग ये जो फार्मूला है इस फार्मूला को नोट कर लो, ठीक है। ये जो आप कहानी पढ़े हैं वो कहानी का कोई मतलब है ही नहीं, हमें जो कहानी जो पढ़ना है, जो प्रॉब्लम हमें अटेंड करना है एग्ज़ाम में, वो यही है, ठीक है। क्या है वो, यही है n इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू वी बाई 22.4 एन अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये चीज़ें आप लोग को रट जानी चाहिए भाई, ठीक है। क्या हो जानी चाहिए, चीज़ें आप लोग को रट जानी चाहिए, ठीक है। चलिए इसी फार्मूला के बेस पे ही हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए मैं रफ कर दूं थोड़ा सा, आगे चलते हैं। रफ करने के बाद एक फार्मूला को मैं लिख देता हूं ऊपर में, ठीक है ना। इस फार्मूला को मैं लिख देता हूं एक बार और, ठीक है ना। तो लिखूंगा जो है फार्मूला, वो रहेगा भाई n इक्वल टू w बाय एम डब्ल्यू इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इक्वल टू n अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23। देखिए मैं आप लोग को फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले हमको ये नहीं पढ़ना है कि इसके रूल क्या क्या होते हैं, कब कंडीशन में चेंज हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, ये अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। वो चीज़ें जो होती हैं ना, आप लोग जब प्रॉब्लम करेंगे बहुत सारी चीज़ें, तो आप लोग ऑटोमेटिक उस चीज़ को समझ जाएंगे कि कैसे वो कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। अगर मैं आप लोग को केवल और केवल रूल बताते चलूँ, ये कंडीशन रहेगा तो ही कन्वर्ट होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा, ऐसा तो आप लोग को क्या होगा कि उसको याद करना पड़ेगा। बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फार्मूला ऑटोमेटिक आपसे याद हो जाता है कि होगा कि नहीं होगा। चार ऑप्शन से आप भी इलिमिनेट कर सकते हैं, क्लियर है। चार ऑप्शन से भी उसको क्या कर सकते हैं आप लोग, इलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मैच खेलना है, क्रिकेट मैच, मैं आप लोगों को बोलूं कि 11 प्लेयर चाहिए, एक तीन स्टम्प, इधर भी तीन, इधर उधर 12 प्लेयर और चाहिए 11, ऐसा तो आप लोग क्रिकेट खेल पाएंगे क्या? नहीं खेल पाएंगे ना। अगर आप गांव में देखते हैं कि 6-6 का प्लेयर से ही खेलते हैं, बस अपने को खेलने आना चाहिए भाई, ठीक है ना। बाकी रूल हम लोग ऑटोमेटिक आगे चल के समझ जाएंगे कि क्या रूल है क्या नहीं है, ठीक है। खेलने आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग को खेलने आता है तो आप लोग ऑटोमेटिक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो भाई, ठीक है ना। आप ऑटोमेटिक रूल पढ़ोगे समझ में आएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं तो समझ में नहीं आने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना अगर आप कर रहे हैं सफिशियंट है। अगर क्वेश्चन नहीं बढ़ रहा है तो उसको आप लोग व्हाट्सएप या कमेंट्स कर सकते हैं भाई, क्लियर है ना। नंबर हमारे पास है, ठीक है, जाएं आप लोग डिस्क्रिप्शन में और देखें भाई, पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पास है, क्लियर है। तो ये था हमारा फार्मूला भाई, इसी फार्मूला के बेस पे ही हमें आगे चलना है, ठीक है। क्या करना है, आगे चलना है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से समझे, मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूं और उसी से आगे चलना है। पहला, इफ टू मोल ऑफ CO2 आर प्रेजेंट, देन कैलकुलेट दी, ठीक है, वेट ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है ना भाई। और क्या है भाई आप लोग का, पार्टिकल ऑफ CO2, ये सभी आप लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऐसा भाई क्वेश्चन लिख लिए होंगे,
ठीक है, क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, अब इतना सब जो मैं लिखा हूँ इसमें से अपने को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या अपने लिए सही है, क्या सभी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है क्या? नहीं भाई, अब क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। अब पढ़ने के बाद में ना आप लोग को ही ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आएगी क्या अपने को ज़रूरी है। पहली बात, टू मोल ये ज़रूरी है, क्लियर है? और क्या ज़रूरी है अपने को? वेट ऑफ CO2 ज़रूरी है। और क्या ज़रूरी है अपने को? वॉल्यूम ऑफ CO2। और क्या है? पार्टिकल ऑफ CO2। ये सभी चीज़ें अपने को ज़रूरी है, क्लियर है? अब देखिए फार्मूला कैसे अप्रोच करना है, फार्मूला कैसे अप्रोच करना है। तो देखिए भाई, सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं, सॉल्यूशन, ठीक है। देखें अपने को दिया क्या है इसमें, गिवन क्या है? गिवन है हमको 2 मोल, क्लियर है? और क्या फाइंड आउट करना है अपने को? वेट ऑफ CO2, वेट ऑफ CO2 ये फाइंड आउट करना है। अब आप इस फार्मूला को गौर से देखें, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, क्या दिया है और क्या निकालना है। सबसे पहले आप लोग को दिया हूं मोल, कहां पास से दिख रहा है मोल आप लोग को? ये पहला दिख रहा है मोल, ठीक है सर, ये आएगा मोल, ठीक है। क्या निकालना है अपने को? वेट ऑफ CO2, कहीं पास दिख रहा है वेट ऑफ CO2 का फार्मूला? W, हाँ सर, ये वाला। तो ये फार्मूला आप लोग का आएगा, क्लियर है ना? N इक्वल टू W बाय एम W, ये रहा आप लोग का फार्मूला। अब इसमें आप वैल्यू पुट करें, आंसर आप लोग का आ गया, ठीक है। निकालना हमें क्या है भाई? वेट निकालना है। मोल दिया हूँ क्या, देखो कितना दिया हूँ मोल, 2 मोल दिया हूँ। वेट निकालना है, हाँ, CO2 कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट? 44, ठीक है। CO2 कितना होता है? 44। तो इसको इधर ला लीजिए भाई, क्या आएगा? 2 × 44 इक्वल टू क्या हो जाएगा? W, ठीक है। तो W इक्वल टू कितना आया भाई? 44 × 2 88। तो हम बोल सकते हैं वेट ऑफ CO2 कितना है? 88 है, ठीक है ना। यहाँ पास टेबल बना के मैं लिख देता हूँ फार्मूला को, ठीक है ना, आंसर को। क्या निकाले भाई हम लोग? वेट ऑफ CO2 कितना आया है? 88, ठीक है। आप लोग बताएं भाई वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना होगा? ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को, क्या दिया है और क्या निकालना है उसको पहले ध्यान से सोचें, फिर आप लोग अप्लाई करें कौन सा फार्मूला यहाँ पास अप्लाई होगा, क्लियर है? वेट ऑफ CO2 हो गया, निकालना है वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना है। इसको मैं रफ कर दूं आप लोग के लिए, चलिए जितना मेरे को रफ करना था वो रफ कर देता हूं मैं। गिवन जो दिया है उसको रफ नहीं करना है भाई, गिवन 2 मोल ही है, निकालना क्या आपको? वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना है। फार्मूला को गौर से देखें भाई, कहीं पास मोल दिख रहा होगा? हाँ सर, N में को दिया, हाँ बेटा उसको उठाओ। कहीं पास वॉल्यूम दिख रहा है CO2 का? वॉल्यूम का फार्मूला ये रहा वॉल्यूम का, ठीक है। क्या है? वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय क्या है? 22.4 लीटर, ये रहा फार्मूला। अब पुट करें भाई, दिया है जिसको निकालना है उसको निकालें। क्या दिया हूँ बताओ? 2 मोल दिया हूँ, ठीक है, 2 मोल दिया हूँ। चाहिए क्या आप लोग को? वॉल्यूम इन लीटर चाहिए अपॉन 22.4।
तो इसको इधर ला लीजिए भाई, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू 2 × 22.4, क्या हो जाएगा बता, मल्टीप्लाई करने पे 8, अरे 44। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है हमारा, 44.8 लीटर। क्लियर है? तो फार्मूला को ऐसे अप्लाई किया जाता है भाई, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या दिया है, क्या निकालने बोला है। क्लियर है? एक ही क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को 3 बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग चले, 2 मैं कर दिया हूँ, तीसरा आप लोग करें भाई, अगर आपके पास है भाई कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि मैंने ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों यूज़ कर लिया हूँ, अब बचा है वही अप्लाई होगा आप लोग का, ठीक है? जो बचा है वही अप्लाई होगा ना, ठीक है? क्या बचा है आप लोग के पास, बचा है भाई, क्या बचा है, पार्टिकल ऑफ CO2 कितना बचा है, वही तो बचा है ना। क्या होता है फार्मूला बताएं, क्या निकाल दिया, क्या है अपने को मोल दिया है, ठीक है, निकालना क्या है हमें, आपको निकालना भी पार्टिकल ऑफ CO2 निकालना है, ठीक है? फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा हमारा, मोल दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है ना भाई मोल, ये रहा फार्मूला, गौर से घूरे भाई, n क्या निकालना है भाई, पार्टिकल ऑफ CO2 मतलब n की वैल्यू, दिख रहा है n, दोनों का क्या कर लो भाई आप लोग, इक्वल n डिवाइडेड बाय 6.023 × 10³। तो मोल दिया हूँ मैं, कितना दिया हूँ 2, क्या निकालना है भाई, n अपॉन 6.023 × 10³। तो n कितना आएगा, देखो ट्रांसफर, इधर ट्रांसफर करो भाई, ठीक है, क्या आएगा n 2 × 6.023 × 10³। क्लियर है? इतना आंसर आया आप लोग का, ठीक है, चेक करें भाई, इतना आंसर आया होगा आप लोग का कॉपी में, ठीक है? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन से था, ठीक है? तो क्या है आंसर हमारा, पार्टिकल ऑफ CO2 2 × 6.023 × 10³। क्लियर है? आंसर आया आप लोग का, चले नोट करें भाई इसको, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, चलिए नए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग और घुमा के देते हैं। इस ब्लैक बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन रहेगा ना कि आप लोग को और अदर टॉपिक पढ़ने की जरूरत है ही नहीं भाई, क्लियर है ना? इसी फार्मूला पे मैं सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बेस कर दूंगा, इसी फार्मूला पे ही मैं अदर जो प्रॉब्लम से उसको क्या कर दूंगा, समझा दूंगा, एक ही प्रॉब्लम से भाई, सफिशियंट है, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में हम लोग। अब देखो अभी मैंने दिया था भाई आप लोग को, क्या दिया था, एन दिया था, मैंने कैलकुलेट क्या करा था आप लोग को, डब्लू वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है? अब मैं दूंगा भाई डब्लू और फिर कैलकुलेट कराऊंगा मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम, क्लियर है? चले क्वेश्चन भाई लिखे, इफ 88 ग्राम ऑफ CO2 आर प्रेजेंट, देन, ठीक है, देन कैलकुलेट दी, क्या क्या भाई, मोल, वॉल्यूम इन लीटर,
और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सभी क्या करना है आप लोग को कैलकुलेट करना है। अब इसमें आप लोग को सबसे पहली बात यही है कि इतना सारा इस सेंटेंस लिखने का मतलब क्या है, मतलब है ही नहीं। जितना हमारे काम का है उसी को हम लोग गोला लगाएंगे भाई, ठीक है, घेरा करेंगे। क्या क्या जरूरी है हमारे लिए देखें, हमारे लिए जरूरी है भाई 88 ग्राम, आप CO2 भी जरूरी है, ठीक है। क्या कर निकालना भी अपने को, निकालना क्या है हमें, मोल निकालना है, वॉल्यूम निकालना है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हमारे लिए जरूरी है। अब आप लोग क्वेश्चन को एकदम ध्यान से घूरे भाई, जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं घूरेंगे आंसर नहीं मिलने वाला है, समझ लो। आप लोग को क्वेश्चन देख के बस डरना नहीं है, कब तक डरते रहोगे क्वेश्चन देख के, पढ़े भाई क्वेश्चन पढ़े घूरे, घूरने से समझ में आएगा। अगर आप 10-15 क्वेश्चन ऐसे घूर दिए ना, 21-22 तो ऐसे बन जाएगा आप लोग से ऑटोमेटिक चुटकियों में, क्लियर है। चले भाई निकालना क्या हमें, मोल एन, ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन, लिख देता हूं मैं, ठीक है। गिवन क्या है बताएं भाई, गिवन क्या है, वेट कितना 88 ग्राम, निकालना क्या है हमें, मोल। तो क्या इसके फार्मूला आप लोग को दिख रहे हैं कहीं पास, वेट और मोल, वेट के और मोल के फार्मूला दिख रहे हैं आप लोग के पास कि नहीं दिख रहे हैं, हाँ बोलो, दिख रहे हैं ना। ये तो रहा भाई दोनों का फार्मूला, लिखो भाई फार्मूला को, एन इक्वल टू डब्लू बाई एम डब्लू, पुट कर दो भाई। निकालना क्या है अपने को, मोल, मोल निकालना है ना, हाँ मोल निकालना है, एन, वेट दिया हूँ कितना 88, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बताएं 44, कितना है बताओ 2, मतलब मोल कितना हुआ भाई 2 हो गया, हाँ इधर लिख दूँ मैं सॉल्यूशन क्या क्या आया है, ठीक है, जल्दी करिए करिए भाई आप लोग, ठीक है ना, और बैठ कर आराम से देखिए सर जो निकालो सही है कि नहीं है, मेरे साथ नहीं चलिए भाई। अगर आप लोग समझ में आ गया है तो आप लोग क्या करें, आगे चलें, वॉल्यूम निकालें और एन निकालें भाई, ठीक है। कब तक मेरे साथ चलते रहोगे, मैं तो आप लोग को ही वेट कर रहा हूँ भाई, आप मेरे साथ चलो बोल के, मैं तो बहुत आगे चला गया हूँ, वहाँ से फिर वापस आया हूँ आप लोग को लेने के लिए, ठीक है। तो सब चीज़ मेरे लिए ईजी है भाई, मैं ऐसे आप लोग को बता सकता हूँ क्या आंसर आने वाला है, तो मेरे से नहीं भाई, आप अपने से खुद से करें, क्लियर है। चलिए वेट, वेट हो गया ना, अपने ऊंचाई पे वॉल्यूम। अब देखो भाई क्वेश्चन में घूरिए भाई, कहाँ पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है और कहाँ पास वेट का है, दिख रहा है फार्मूला आप लोग को, दिख रहा है फार्मूला, अरे दिख गया होगा, हाँ सर क्या है सॉल्यूशन फार्मूला, सर W बाई एम डब्ल्यू का तो दिखा है वेट जो बोले थे, और एक और दिखा सर वॉल्यूम निकालने का तो दिखा है वॉल्यूम बाई 22.4 दिखा ना, हाँ पुट कर दो भाई, W तो दिया हूं मैं, कितना दिया हूं W बताओ 88, एम डब्ल्यू दिया हूं कहीं पास CO2 44, क्या होता है बताओ, हो गया भाई खत्म। इतना अगर आप लोग कर ले होंगे तो हो गया आप लोग का आगे आंसर, आगे तो इसको ले जाना है भाई 44 88 2/1 आएगा, वॉल्यूम चाहिए भाई, इसको इधर ले जाओ क्या आएगा 2×22.4 आंसर, मतलब कितना हो गया बताएं,
44.8 हो गया, ठीक है, कितना हो गया बताएं, 44.8 आया होगा आंसर वॉल्यूम का, 44.8 लीटर आप लोग का आंसर आया होगा, क्लियर है ना भाई। अब आप लोग निकाले भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लो, क्या निकाल लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा ना, अरे निकल जाएगा, निकल जाएगा आप लोग से निकल जाएगा, ठीक है, फार्मूला ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। फिर इसके बाद एक 10 क्वेश्चन का सीरीज आएगा भी, उस क्वेश्चन में आप लोग का रहेगा, क्वेश्चन दूंगा एक मिनट आप लोग के लिए रहेगा, और फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ से मिला हुआ है, और उसके पीछे और कैसे घुमा के दे सकता है, क्लियर है। चलिए क्या निकालना है अपने को, अब वॉल्यूम निकल गया, नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब एन, कहीं पास दिख रहा है वेट का फार्मूला, हाँ सर ये रहा फार्मूला डब्ल्यू बाय एम डब्ल्यू, पार्टिकल का दिया फार्मूला वो रहा एन बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23। वेट कितना दिया बताएं, वेट दिया भाई आप लोग को 88, मॉलिक वेट कितना होता है बताएं भाई 44, एन निकालना है अपने को 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये रहा फार्मूला, मिल गया फार्मूला, हाँ सर तो करिए ना बेटा लोग आप लोग 44 2 बाय 1, तो एन कितना है बताएं 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होगा, क्लियर है, 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, क्लियर है। इतना आंसर आया आप लोग के पास, आया ना भाई बेटा लोग, वही तो फार्मूला है घुमा के दे रहा हूँ, अरे ये फार्मूला ऐसा नहीं कि सर हमको तो समझ में आ गया तो लिखेंगे, नहीं अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं भाई, 11th क्लास में है, 11th 12th में ये नीट की तैयारी कर रहे हैं, आगे जाना है काम आएगा, ठीक है ना, जितना आप लिखोगे उतना ही काम आता है भाई, बोलने से नहीं होता, बोलने से कुछ होता है तो आज अनपढ़ आदमी जो है ना उसको भी बहुत कुछ कर लेता है, ठीक है ना, बोल तो भी लेता है, ठीक है, बट जो लिखा जाता है उसको नहीं पढ़ पाता, समझ नहीं पाता, वही तो है ना भाई। तो आप लोग भी पढ़ें लिखें, आप लोग अगर नहीं लिख रहे मतलब आप लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं भाई, समझने से तो नहीं होगा, लिखना तो पड़ेगा बेटा लोग, क्लियर है बच्चे लोग, लिखना पड़ेगा ना कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, ठीक है। रफ कर दूं मैं, रफ कर दूं ना, इतना हो गया भाई, इतना हो गया, आगे चलना पड़ेगा ना हम लोग को, क्वेश्चन में घुमा घुमा के दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक बार भी यहाँ से दिया था, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से तुम पूछूंगा, और वो आप लोग क्या रहेगा, होमवर्क, क्या होमवर्क, जानते ना होमवर्क मतलब क्या होता है, एच डब्ल्यू, जिसको आप लोग को घर में जाने के बाद करना है, ठीक है। चलिए भाई आंसर आप ही लोग बताएंगे भाई, इफ 11.2 वॉल्यूम 11.2 क्या हो गया, ठीक है ना, 11.2 लीटर ऑफ CH4 आर प्रेजेंट, देन कैलकुलेट मोल वेट ऑफ CH4, वेट ऑफ CH4, ठीक है ना, पार्टिकल ऑफ एन, पार्टिकल ऑफ एन, ठीक है ना,
या CH4, मतलब CH4 में कितने पार्टिकल्स हैं, ये रहा। अब क्वेश्चन लिखा गया, लिख दिया हूँ मैं, तो आप लोग को उसमें जो यूज करना है उसको पहले गोला लगाओ, घेरा करो, तो ये तो आगे बढ़ना है हम अपने को, क्लियर है। चलिए 11.2 जरूरी है सर, CH4 भी जरूरी है, देन कैलकुलेट मोल कैलकुलेट करना है, वेट कैलकुलेट करना है, अ पार्टिकल ऑफ एन कैलकुलेट करना है, ये सभी हमारे लिए क्या है भाई, इन्फॉर्मेशन है, क्लियर है, क्या है हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है। अब सॉल्यूशन लिखे भाई, ठीक है सॉल्यूशन लिखे, और दिया क्या है आप लोग को, वॉल्यूम ऑफ CH4 कितना वॉल्यूम भाई, 11.2 लीटर, इतना दिया है, हाँ निकालना क्या है भाई, मोल। आप क्वेश्चन को घूर रहे भाई, अगर आप नहीं घूर रहे तो क्वेश्चन आप लोगों को घूर रहा है वो, ठीक है। टेबल रहा यहाँ पास, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपने को सॉल्यूशन, ठीक है क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन क्या निकालना है, मोल निकालना है, W निकालना है और N निकालना है, ठीक है। मोल दिखा, मोल कहाँ है पास, ये रहा मोल, वॉल्यूम ऑफ CH4 ये रहा, इक्वल कर दो भाई, ठीक है। N इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। N दिखा आप लोग के पास, N निकालना ही तो है, दिखने से कोई मतलब है ही नहीं, उसी को निकालना है ना, उसी को ही निकालना है, क्या हो गया, ठीक है एन निकालना है। वेट दिया, वॉल्यूम इन लीटर दिया, हमें कितना दिया बता, वॉल्यूम 11.2 डिवाइड बाय 22.4 कितना आएगा, 1/2, 1/2 मतलब 0.5 मोल, एन कितना है आप लोग का 0.5, आप बोल सकते हो भाई एन का जो वैल्यू है वो कितना आप लोग का 0.5 है, क्लियर है ना, ठीक है। वेट निकाले भाई आप लोग, वेट निकाले, अरे बच्चे लोग क्या कर रहे हो, निकाले कितना मैं बोलूं, ठीक है दिखा वेट का फार्मूला, वेट और वॉल्यूम का दिखा फार्मूला, ये रहा वेट ये रहा वॉल्यूम, डब्लू बाई लिखो भाई फार्मूला को, डब्लू बाई एम डब्ल्यू एस आर और वी वाई 22.4। डब्लू कितना दिया हूँ बताओ, डब्लू तो निकालना है, डब्लू तो निकालना है ना भाई, डब्लू निकालना है, बताओ एम मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई, CH4 का निकालना नहीं आ रहा होगा, CH4 का मॉलिक्यूलर वेट तो आप लोग जाएं वीडियो देखें भाई, हमने बताए हुए हैं कि कैसे मॉलिक्यूलर वेट को निकाला जाता है, क्लियर है। कितना भी देखें वेट मॉलिक्यूलर कितना है CH4 का, वो आता है भाई 16, वॉल्यूम दिया हूँ भाई कितना 11.2 अपॉन 22.4, ये कितना होगा कटेगा तो 1/2, ये 16 इधर जाएगा कितना आएगा बताएं, 16/2 कितना आएगा 8, मतलब वेट कितना है आप लोग का 8 ग्राम, ठीक है। अब निकाल सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लोग, हाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं ना कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं भाई, अगर मैं इतना आप लोग को बोल रहा हूँ तो आप लोग निकाल सकते हैं, क्लियर है। क्या निकालना है आप लोग को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब एन निकालना है, दिखा कहीं पास वॉल्यूम और पार्टिकल्स का फार्मूला, अरे बराबर ही तो है, कुछ नहीं करना है सर, ये रहा फार्मूला 22.4 एन अपॉन 6.023 × 10³³, ये हो गया फार्मूला, बस खत्म कहानी, इतना अगर आप लोग लिख दिए हैं ऑटोमेटिक आंसर आ गया है भाई, ठीक है कुछ करने का था ही नहीं। निकालना भाई एन कितना दिया बताओ, वॉल्यूम 11.2 अपॉन 22.4, एन चाहिए अपने को
6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये आएगा भाई 1/2, इधर चला जाएगा ये कितना आएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23/2, ठीक है ना, ये रहा आप लोग का आंसर। ये रहा आंसर आप लोग का, क्लियर है, ये डिवाइड भी आप करना चाहो तो कर सकते हो भाई। क्या रहा फार्मूला आप लोग का, 6.023 इंटू 10 की पावर 23/2, हो गया भाई आंसर। चेक किया आप लोग अपना आंसर, इतना खत्म है भाई। यहाँ तक क्वेश्चन फार्मूला बनाने के बाद मैंने आप लोग को सभी निकालने बोला हूँ भाई, ठीक है। एक बचा हुआ है आप लोग, क्या रहेगा वो होमवर्क, ठीक है, क्या रहेगा होमवर्क, ठीक है ना, मैं आंसर भी लिख दूंगा और आप लोग उसको करके आएंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, करके आएंगे, आएंगे क्या, घर में तो रहना है, बैठ के बनाना है ना, जब से एडटेक आ गया भाई, एडटेक मतलब एजुकेशन में टेक्नोलॉजी, तब से घर में ही हो रहा है आप लोग का पढ़ाई, और इतना दम रखा ना मोबाइल में, आप लोग वहीं से बैठे बैठे नीट निकाल सकते हो भाई, ठीक है। साथ में सपोर्टर की ज़रूरत रहती है, और मैं सपोर्ट करता हूँ भाई, और कोई बच्चा लाए क्वेश्चन सपोर्ट मैं करता हूँ। इफ 6.023 टू 10^23 पार्टिकल ऑफ NH3 आर प्रेजेंट, देन कैलकुलेट दी, देन कैलकुलेट दी मोल वेट वॉल्यूम, ठीक है, ये आप लोग क्या करना है भाई, कैलकुलेट करना है, देन कैलकुलेट दी मोल वेट वॉल्यूम ऑफ NH3, क्लियर है, बन जाएगा आंसर, मैं लिख दूं आप लोग के लिए, ठीक है, आंसर में लिख दूं, हाँ भाई। तो इसका जो मोल आएगा भाई वो आएगा 1, वेट जो आएगा भाई आप लोग के इसका आएगा, वेट जो है 17 आएगा, वॉल्यूम जो होगा इसका वो होगा 22.4 लीटर, क्लियर है, ये रहा भाई आप लोग का आंसर, ठीक है ना, लीटर नहीं ये उसमें आएगा ग्राम में, क्या हो गया, कितने किस में आ गया आप लोग का, ग्राम में भाई। ये रहा आप लोग का सोल्यूशन, सोल्यूशन मैंने इसलिए प्रोवाइड किया हूँ कि आप लोग जाएं चेक करें कि आंसर सही कि नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो भाई आप लोग कमेंट्स करें, ठीक है। सर आपने जो आंसर क्वेश्चन बताया था उसका आंसर ये आ रहा है वैसा, ठीक है ना, अगर आंसर नहीं आएगा सही सही तो मैं फिर से आप लोग को इसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये था भाई आप लोग का फार्मूला, जहाँ पर हमने मोल वेट वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल से किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं उसको पढ़े थे भाई, ठीक है ना। इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इसी पे ही बेस रहेगा, क्लियर है, इसमें और हम लोग कुछ और चीज़ें सीखेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।